हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिबी रॉक टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई बास्केटबॉल का मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा एसआई वर्सेस टीपी के बीच। तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच रहने वाला है आप लोगों के लिए 5 घंटे 33 मिनट बाद। लेकिन ज़बरदस्त तो रहेगा, लेकिन वो तब रहेगा जब आपके पास लाइनअप्स का बंदोबस्त हो, क्योंकि इस मैच की थोड़ी लाइनअप्स प्रॉब्लम है। जैसे कि आप जानते हैं बास्केटबॉल की लाइनअप्स वैसे भी नहीं आती, और इसकी फाइनल टीम भाई हम भी नहीं देते रात के मैचेस की। वैसे मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई रिबी रॉक बॉक्सर ड्रीम इलेवन, आप देख सकते हैं ये पूरा मेरा चैनल है। आप ये सर्च करेंगे भाइयों, ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसकी टीम नहीं आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ। बाकी यहाँ पे 100% विनिंग टीम आती है हर मैच की, लेकिन ऐसे ही वर्सेस टीपी। तो हम आपको थोड़ा समझाएंगे सारे प्लेयर्स के बारे में। तो चलिए अब हम टीम की तरफ बढ़ते हैं। तो टीम दिखाने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाइयों, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें भाई पॉइंट गार्ड से, तो पॉइंट गार्ड से हम लेने वाले हैं ओ रैमिरस को, जिसके कि 12.5 क्रेडिट्स हैं, 123 पॉइंट्स और 79% सिलेक्शन, जो कि भाइयों बहुत ही टॉप का प्लेयर रहने वाला है, जो कि हर मैच में इसने खतरनाक से खतरनाक पारी खेली है। और यहां से लेंगे भाई डी कार्डोजा को, 10 क्रेडिट्स, 42 पॉइंट्स और 54% सिलेक्शन के साथ टॉप का प्लेयर ये भी रहने वाला है हमारे साथ। बात करें शूटिंग गार्ड से, तो हमने शूटिंग गार्ड से ज़्यादा बढ़िया नहीं ले पाए, डब्ल्यू मिरांडा हमारे से मिस हो गया क्योंकि क्रेडिट प्रॉब्लम के कारण। तो क्रेडिट प्रॉब्लम को भाइयों मेंटेन करते हैं, यानी यहाँ से ले लिया भाइयों सी स्यूवेस को, 7 क्रेडिट्स, 17 पॉइंट्स और 10% सेक्शन ओनली, बिल्कुल ठीक ठाक प्लेयर है, ज़्यादा बेकार बोलूंगा ना ज़्यादा बढ़िया। बात करें स्मॉल फॉरवर्ड से, तो यहाँ से लेंगे एफ़ गैर्थ को। तो एफ़ गैर्थ एक भाई वो बहुत बढ़िया प्लेयर है, जो कि भाई वो आप चाहें तो इसको एसपी रख सकते हैं, और एक कल के मैच में भी बहुत खतरनाक पारी खेलने लगा है। अभी मतलब आप देखेंगे कि आज कैसा परफॉर्मिंग देगा ये आपको। और यहाँ से लेंगे ए लगुना को, जो कि एक बहुत ही लो प्लेयर है। बात करें पावर फॉरवर्ड से, तो यहाँ से हम ले लिया एच बर्बरीना को भाई। एच बर्बरीना बहुत अच्छा प्लेयर है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है, मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया, सिलेक्शन भी कम है, और अगर ये जहाँ 30-35 पॉइंट भी मार गया तो 100% विनिंग है। भले ही 20 पॉइंट भी मार गया तब भी 100% भाई आपकी विनिंग हो जाएगी, इसको ज़रूर लेना। और आर सेंचेस को लेंगे, जो कि सिर्फ 7 क्रेडिट्स में टॉप का खेलता है भाइयों। बात करें सेंटर की, तो सेंटर से हमने आर रोचा को ले लिया। तो आर रोचा अगर बोलें तो, अगर आपको सेफ जाना है तो कैप्टेंसी के लिए सेफ है। बात करें कैप्टन वाइस मतलब वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन यहाँ से हम सब लोग आर रोचा के साथ गए हैं 60% लोग, या आप जा सकते हैं एच बर्बरीना के साथ या एफ़ गैर्थ। तो एफ़ गैर्थ के साथ मैं जाऊँगा, जो कि आप इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हैं, 3 मैचेस में 128, और आर रोचा का आप देख सकते हैं मतलब 6 मैचेस में 208। तो नहीं भाई, हर तरफ से एफ़ गैर्थ बनता है, तो मैं तो एफ़ गैर्थ के साथ जाऊँगा। ये बिल्कुल यूनिक टीम है, अगर आपका ओपोनेंट का भाई सबका आर रोचा होगा और आपका एफ़ गैर, तो आपके जीतने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स। लेकिन मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि आप एच बर्बरीना के साथ भी एसपी में जा सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। आर रोचा के साथ मत जाओ अगर चाहते हो क्लैश ना हो।